किया सियासी अटकलों का बाजार कर। त्रिपुरा निकाय चुनाव को लेकर बवाल, एससी का आदेश मौके पर भेजी जाए बीएसएफ की दो टीम। चीन और पाकिस्तान के बीच हो रहे रक्षा सहयोग पर हमारी पैनी नजर, नौसेना प्रमुख ने कहा। 25 नवंबर को जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। वानखेड़े के पिता को हाईकोर्ट से राहत, नवाब मलिक नहीं कर पाएंगे परिवार के खिलाफ कुछ पब्लिश। आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गई है। इसको लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठक हो रही है। ये बैठक 24 नवंबर को देर रात तक चली और आज एक बार फिर से बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हमारे चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और उसके साथ दोनों सह प्रभारी आरपी सिंह और लॉकेट चटर्जी मौजूद है। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इस बैठक में शामिल हैं। कहा कि हमारे 70 विधानसभाओं में 70 जो हमारी एक सुझाव पेटी का है वो रखी जाएंगी। सप्ताह भर तक वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के आम नागरिक उसमें सुझाव हम लोगों को देंगे और उन सब सुझाव को इकट्ठा करके घोषणा पत्र जो समिति बनी है वो हमें देगी और हम उस पार्टी में घोषणा पत्र को। कांग्रेस पार्टी द्वारा चंपावत विधानसभा में बूथ कमेटी अध्यक्षों का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें दिल्ली से आए AICC प्रशिक्षक कुलदीप कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में 151 बूथ अध्यक्ष को प्रशिक्षण दिया गया। वही कार्यक्रम में चुनावी रणनीति को कैसे बनाया जाए, बूथ को मजबूत कैसे किया जाए, साथ ही जनता के बीच अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए आदि पर चर्चा की गई है। एसीसी के निर्देश पर मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत एसीसी के ट्रेनर के माध्यम से आए हैं और हमारे पूरे 151 बूथ से जो हमारे बूथ एजेंट है वो मौजूद है और किस तरह की रणनीति बनाई जाए, किस तरह से बूथों को संभाला जाए, किस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, ये सब जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं वहाँ उनको उनको शिक्षित किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में वो लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए उन बूथों पर जिता सकें और अपने बूथ को अपना गौरव बना सकें। उसी क्रम में ये आज प्रशिक्षण कार्यक्रम। भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दो दिनी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देहरादून में चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ बैठक कर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की और चुनावी रोड मैप पर मंथन किया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारियों में तेजी लाने के साथ ही पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया है। चुनावी एजेंडा, मुख्य मुद्दों पर चर्चा समेत बैठक पूरी तरह चुनाव प्रबंधन पर ही केंद्रित रही। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी, आरपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय शामिल रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजधानी देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश सह प्रभारी राजेश धर्मानी, सह प्रभारी दीपिका पांडे, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह शामिल हुए। पार्टी की आगामी रणनीति और टिकट वितरण के फॉर्मूले को लेकर बैठक में चर्चा हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की प्रदेश मुख्यालय में ये पहली बैठक थी आयोजित की गई थी, जिसके साथ ही कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल करने और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर रणनीति तय की गई है।
स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव के लिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर अपने दावेदारी की है। इसके बारे में क्या चर्चा? देखिए, आज की प्राथमिक बैठक का उद्देश्य यही था कि किन आधार पर, क्योंकि ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और पिछले दिनों से मैं समझता हूँ 6 महीनों से ऑलरेडी विभिन्न सर्वे के माध्यम से वहाँ के इश्यूज, वहाँ के संबंधित उम्मीदवार, प्रोबेबल उम्मीदवार, यहाँ का सामाजिक समीकरण, राजनीतिक इश्यूज, हर विषयों के ऊपर में गंभीरता के साथ में अध्ययन पहले। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में हल्द्वानी महोत्सव का शुभारंभ कर दिया गया। जहां हल्द्वानी महोत्सव 25 नवंबर आगामी 25 दिसंबर तक चलेगा, तो वहीं महोत्सव का मुख्य आकर्षण लंदन ब्रिज रहेगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कोरोना काल में ही किसी भी प्रकार के महोत्सव का आयोजन नहीं पाया था, तो वहीं कोरोना काल के बाद हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में मैदान में हल्द्वानी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ इस बार महोत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में मेला संचालकों द्वारा ग्राहकों की खरीदारी को देखते हुए ओपन मार्केट की व्यवस्था की गई है, जिसमें विभिन्न प्रांतों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। मामला मूलदासपुर विधानसभा पिरान कलियर के ग्राम मुरादपुर का है, जहां पानी की निकासी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की समस्या को लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या विधायक की आंख नहीं खुली। और ग्रामीणों का कहना है कि जैसे जैसे बरसात आती है, ग्रामीणों की समस्या बढ़ जाती है। गांव के रास्ते में करीब 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, जिससे निकलना ग्रामीणों को बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हर समय यहाँ पर गंदे पानी का जमावड़ा एकत्रित रहता है। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते जैसे लगातार बीमारियों का बढ़ना और अभी सबसे ज्यादा प्रकोप डेंगू का है, लेकिन इतनी खतरनाक बीमारी के चलते भी यहाँ का कुछ भी समाधान नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की समस्या को लेकर हम जनप्रतिनिधि से लेकर एसडीएम तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऋषिकेश के टेहरी पुलिस ने ढालवाला चौकी के पास एसओजी कार्यालय में दर्जन लोग खोए के हुए मोबाइल लौटाए गए, जबकि खोए हुए मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे खिलखिला उठे। वही जानकारी देते हुए एसएसपी तृप्ति भट्ट ने बताया कि जनपद टेहरी में 35 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए गए हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल की एसओजी टीम के द्वारा मोबाइल सर्वेलेंस के माध्यम से कुल 35 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 4,75,000 रुपये। इन सभी लोगों को हमारे द्वारा आज जनपद टिहरी गढ़वाल में ढालवाला में बुला के इनके मोबाइल फोन के सुपुर्द किए गए। काफ़ी इनमें से नए एकदम ब्रांड न्यू मोबाइल फोन्स भी थे, जिसमें जनता के द्वारा काफ़ी हार्दिक आभार टिहरी पुलिस का व्यक्त किया गया। इसमें एक गैंग के होने की भी संभावना है, जिसपे वर्कआउट किया जा रहा है। इसमें से अधिकतर फोन आगे बेच दिए गए थे, जिसमें जो डायरेक्ट चोर है वो गिरफ्तार नहीं हुए, परंतु फोन जिस व्यक्ति के पास था उसने सेकंड हैंड या थर्ड हैंड खरीदा था, तो उसकी कोई आपराधिक भूमिका इसमें स्पष्ट नहीं हो पाई। फिलहाल हमने फोनों को सुपुर्द करने का प्रयास किया है और जिसमें अग्रिम कार्रवाई भी शीघ्र की जाएगी। मेरा मोबाइल सर फरवरी माह में 2020 फरवरी में खोया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कराए थे इसकी, और पुलिस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर कि उन्होंने काफ़ी मोबाइल आज दिए हैं। हमें बहुत खुशी हुई है और बड़ी दिक्कत हो रही थी बिना मोबाइल के कई महीने तक। उसके बाद हमें आशा थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस टीम ने पहले भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे समाज का हित हो और अपराधों पर रोक लगे। अल्मोड़ा में ड्रग्स तस्करी के कारोबार पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ने अल्मोड़ा जेल में रेड डाली, जिसमें कैदियों के पास से मोबाइल, एयरफोन और 24,000 की नकदी मिली, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। जेल में कैदियों तक मोबाइल, नकदी और अनप्रतिबंधित सामान किसने पहुंचाया, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि जेल में बंद कैदी महिपाल सिंह और अंकित बिष्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही मामले में कई और संदिग्ध लोग पुलिस के निशाने पर हैं।
धनौरी विधानसभा ज्वालापुर के गांव तेलीवाला में कल्याणी संविधान दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं गणेश गोदियाल मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर धनौरी में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता भूप सिंह ने कहा कि कल संविधान दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम विधानसभा ज्वालापुर के ग्राम तेलीवाला में किया जा रहा है। ये कल जो कार्यक्रम हमारा ग्राम शिवदासपुर तेलीवाला में है और संविधान बचाओ देश बचाओ का कार्यक्रम है, हमारे नेता माननीय हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी पहुंच रहे हैं, ज्वालापुर विधानसभा का गांव पड़ता है और इसमें मैं चाहता हूं कि ज्वालापुर विधानसभा के सभी भाई बहन, सभी मित्र और सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर देश बचाओ संविधान बचाओ के कार्यक्रम को सफल बनाने के। खबर धनौरी विधानसभा ज्वालापुर के गांव तेलीवाला में कल यानी संविधान दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं गणेश गोदियाल मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर धनौरी में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नौशाद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नौशाद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का आयोजन किया जाएगा कल संविधान दिवस पर? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आज विधानसभा ज्वालापुर के जो तेलीवाला में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर आज कांग्रेस नेता भूप सिंह के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। नौशाद, कौन कौन से मंत्रीगण यहाँ मौजूद रहेंगे? उसी विधानसभा ज्वालापुर के तेलीवाला ग्राम में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य अतिथि हरीश रावत जी मौजूद रहेंगे। नौशाद, और साथ में कौन कौन से और कुछ कार्यक्रम होने की बात कही जा रही है, कैसे कार्यक्रम किए जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर जैसे संविधान को लेकर आज गर्मजोशी पर देश का एक चढ़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर संविधान को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो खबर धनौरी से है, जहां कल मनाया जाएगा संविधान दिवस। इस मौके पर कांग्रेस नेता भूप सिंह ने कहा कि कल संविधान दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम विधानसभा ज्वालापुर के ग्राम तेलीवाल में किया जा रहा है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।